तो दोस्तों आज हम कुछ मज़ेदार एडिटिंग करने वाले हैं हम अपने काइन मास्टर पे। मैं आपको एक एडिटिंग सिखाऊंगा, ठीक है। उसको आप अपना इंट्रो भी बना सकते हैं अपनी वीडियो का, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ पे आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं। और वो है हमारा टेक्स्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो हम उसे एडिटिंग कैसे करें उसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपके मोबाइल के स्क्रीन में, और सारे एडिटिंग मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा कैसे करना है। बस उसी तरीके से आप कीजिए और उसी को आप इंट्रो बना के भी अपने यूट्यूब वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हो। तो लेकिन उसे बनाए कैसे उसके लिए चलते हैं हम मोबाइल के स्क्रीन पर। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा आपको एडिटिंग वाला वीडियो मिलता है। तो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो रेडी हो, लेट्स गो। तो दोस्तों फाइनली हम आगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं हमने हमारा वो जो टेक्स्ट बिहाइंड द स्क्रीन वो हम बनाने वाले हैं, ठीक है। उसको आप अपने इंट्रो के लिए भी यूज़ कर सकते हो अपने वीडियो में, ठीक है, बहुत सारे चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसको बनाते कैसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें काइन मास्टर ओपन करना है, ठीक है। और जैसे काइन मास्टर ओपन होता है, और उसके बाद में हमें ये न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका 16:9 रेशो ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखा है, तो हम इसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जैसे आपका ये यहाँ पे ये आ जाता है, आपको वीडियो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। एक वीडियो क्लिक किया था तो मैं वो वीडियो यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से इसे रोटेट करता हूँ। ये देखिए मेरा मूविंग होगा इस साइड को ये, ठीक है। और जहाँ से मेरा मूविंग होना शुरू हो जाता है, मैं वहाँ से अपनी वीडियो को डिलीट कर दूँगा थोड़ा, जितना हाफ है उतना, ठीक है। ये मैंने यहाँ से रिमूव किया, तो मैं अब जहाँ से रिमूव किया मैं उतना रखूँगा इसे, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट्स यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बंद हो गया, ठीक है। अब मैं जहाँ से ठीक है मैं ये बंद करता हूँ, ये बंद कर दिया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्प्लिट दे देता हूँ, ठीक है। वीडियो को मैं थोड़ा छोटा बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। मैं जितना हो सके वीडियो को छोटा करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं अपने इंट्रो के लिए इसे यूज़ कर सकूँ, ठीक है। ये हो गया, कम लेंथ का वीडियो बनाने से अच्छा है, क्योंकि मेरा इंट्रो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कहाँ से रिमूव हो रहा है मेरा, ठीक है, यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, जहाँ से रिमूव हो रहा है आपको वहीं पर टैक्स लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक टैक्स लगाता हूँ, ठीक है। टैक्स लिखने के लिए आपको सिंपली लेयर पे क्लिक करना है, और ये टैक्स का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और इस पर हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, जो बेहतर होगा। आप अगर इंट्रो बना रहे हो अपने वीडियो के लिए, तो अपने चैनल का नाम सबसे बेहतर होता है, ठीक है। तो मैं अपना चैनल का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, RN टेक्निकल, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसका लेंथ मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ऐसा करके, और जितनी वीडियो पे है उतने पे मैं इसे यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे ये साइज़ का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे फ़ॉन्ट देना चाहता हूँ, कुछ फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। फ़ॉन्ट देने के लिए मैं इसे क्लिक करूँगा, देखते कितना बड़ा होता है। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और ये बॉक्स का बराबर में मैं इसे लगा दूँगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए बाहर नहीं आना चाहिए आपका जो ये टैक्स है, वो टैक्स बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। जितना है, या हो सके आप उसको थोड़ा छोटा ही कर देना, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, टैक्स को थोड़ा इसका लेंथ बढ़ा दूँगा, ठीक है, थोड़े वीडियो तक इसके लेंथ को यहाँ पे बढ़ा दूँगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए आपको अब प्ले करता हूँ। ये टैक्स ऊपर ही है, लेकिन हमको क्या करना है, इस बॉक्स के नीचे से हमारा निकालना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँगा। अब इसे मैं क्या करूँगा, ग्रीन स्क्रीन दूंगा, ठीक है। मैं इस पर ग्रीन कवर कर दूंगा। ग्रीन कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको लेयर पे क्लिक करना है, और ये हैंडराइटिंग का जो ऑप्शन है सबसे नीचे, लेयर के सबसे नीचे उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करते आपको देखिए वीडियो कहाँ तक आपका रिमूव होता है, ये देखिए आपको यहाँ से पूरा रिमूव होता है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ये ठीक बैठ गया आपका। अब इसे हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर कर देंगे, ठीक है। आपको उसके लिए पहले इसको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ग्रीन सेलेक्ट करते ही आपको ये जो पेंसिल का जो आइकन दिख रखे हो इस पर क्लिक करना है, स्क्वायर का जो है ब्लैक में, ये इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको पकड़ के इसे खींच देना है, ठीक है। मैं पैक करता हूँ और इसको पकड़ता हूँ इस तरीके से, मैं खींच देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे पूरे बॉक्स पर लगा दूँगा इस तरीके से, और इस हैंड राइटिंग को मैं छुपा दूँगा इसके नीचे, ठीक है, इस तरीके से मैं छुपा दूँगा।
ठीक है। अब ये देखिए यहाँ छुप रहा है नहीं छुप रहा है आपको दिखाई देगा, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे आपका पूरा छुप गया, लेकिन ये ग्रीन स्क्रीन थोड़ा ज़्यादा हो रखा है, मैं इसे कम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये बराबर हो गया। अब इसे मैं क्या करूँगा, इस ग्रीन स्क्रीन का अल्फ़ा ओपेसिटी को मैं लगभग 40-36 जितना भी आपको रखना है उतना भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। देखना चाहिए आपको हैंड राइटिंग जब आप इसे, ठीक है। मैं यहाँ पर रख दूँगा 40 पे, ठीक है 40-39 जो भी है 40 पे लग गया ये, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम इसे क्या करेंगे, की लॉक देंगे, ठीक है। अब की लॉक देंगे हम इस पर, तो की लॉक आपको देना किस पे, की लॉक देना है आपको हैंड राइटिंग पे, ना कि आपको टैक्स पे, ठीक है। हैंड आपको जो की लॉक है हैंड राइटिंग पे देना है। हैंड राइटिंग पे देने के लिए हम सिंपली की लॉक पे क्लिक करेंगे और थोड़ा आगे इसको मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ, पहले इस तरीके से बढ़ा दूंगा तो मेरे को की लॉक लगाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे ले जाऊँगा इसको, खिसकाऊँगा प्लस पे क्लिक करूँगा और हैंड राइटिंग को मैं खिसका दूंगा इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसे भी खिसकाता हूँ, अब खुद ब खुद की लॉक यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ठीक है। ये देखिए खुद ब खुद यहाँ पे की लॉक लग जाएगा, ठीक है। आपको बॉक्स के बराबर भी की लॉक देना है, ठीक है। आपको पूरे में की लॉक दे देना है, ठीक है। ठीक है इसको ऐसे करके हटा देना है, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया यहाँ पे वीडियो, अब हम एक बार प्ले करके देखते हैं। ये देखिए मैंने ये बंद किया और बंद करने के बाद में मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए बॉक्स के साथ साथ आपका ग्रीन वाला भी जाना चाहिए, ठीक है। अब ये हो जाता है। अब दोबारा मैं इसे क्या करूँगा, इसका जो अल्फ़ा ओपेसिटी है इसको मैं फुल कर दूँगा, ठीक है। अब इसे फुल करने के बाद में मैं क्या करूँगा, ये वीडियो है यहाँ पर आ रखा है, ठीक है। अब ये वीडियो को मैं पहले यहाँ से इतना ये साइज़ का इतना मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट मतलब इसको ट्रिम कर देता हूँ और ट्रिम करने के बाद में स्प्लिट करके मैं राइट साइड का दोनों साइड का बराबर इसे हटा दूँगा, ठीक है। ये हटा दूँगा, ठीक है। अब ये हमारा वीडियो यहाँ तक आ गया, ठीक है। कितना सेकंड का है ये, 13 सेकंड का, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, सेव करना है। सिंपली हमें इसे सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर में ये एरो का बटन देख रहे हो, सबसे ऊपर राइट साइड में उसे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एज अ वीडियो पे क्लिक करना है, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। उसके बाद में अभी एक प्रोसेस और है आपको करना है, उसे पूरा करना है, तब आपका ये इंट्रो रेडी होगा। अभी आपके बॉक्स के ऊपर है तो अब हमें क्या करना है, बॉक्स के नीचे से लेके आना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया, ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमें बैक करना है और नीचे का जो दोनों लेयर को हमें डिलीट कर देना है, इसको भी हमें डिलीट कर देना है, ठीक है। अब हम शुरू में जाएंगे वीडियो का, और वीडियो के शुरू में जाने के बाद में लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमने जो फोटो और वीडियो अभी सेव किया था उसको हम इसके ऊपर लेके आएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसको हमें स्प्लिट स्क्रीन करना है और फुल स्क्रीन पर लगा देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देखिए यहाँ पर प्ले हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा ग्रीन स्क्रीन यहाँ से रिमूव हो रहा है धीरे धीरे धीरे, और मेरा चैनल यहाँ पे दिखने लग गया, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये ग्रीन स्क्रीन तो अभी भी इसी के ऊपर है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमारा जो लेयर है उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करते नीचे जाके जो ये क्रोमा की का जो ऑप्शन है उसे क्लिक करना है और इसे अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद में आपको यहाँ पर जो सेट करने का ऑप्शन मिलता है आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। जितना सेट कर सक जितना आपको सेट करना है आप एक बार, ठीक है, सेट कर लीजिए। उसके बाद में आपको ये वाला, आपको जो मैं दोबारा बता देता हूँ, बैक करता हूँ, ये जो नीचे जो आपका गोल राउंड वाला जो की कलर जो दिखाई दे रहे हो आपको, ये वाला ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है, फिर राइट कर देना है, ठीक है, राइट कर देना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे प्ले करके दिखाता हूँ आपको एक बार, देखिए। ये देखिए आपका नाम नीचे से आ रहा है। अब आपका क्या होता है ना, ये जो आपका जो ये राइटिंग है, ये राइटिंग बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। अब ये राइटिंग को हम थोड़ा ब्राइटनेस देंगे, इसके लिए हमें दोबारा इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर देना है 40 पे रखता हूँ या 45 पे, फिर ओके करता हूँ। अब मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए आपका कलर राइटिंग थोड़ा ब्राइटनेस में आ जाएगा, देखिए, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरा बॉक्स थोड़ा बड़ा है तो मैं उस बॉक्स से पहले ही मैंने ग्रीन स्क्रीन हटा दिया था। आप टाइम देके अच्छी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब राइटिंग का थोड़ा मैं और भी
ब्राइटनेस देने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए आप क्रोमा की में ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए आपको जितना देता हूँ मेरा राइटिंग उतना छुप जाता है, ठीक है। तो मैंने 50 में रखा था उसे, तो मैं उसे कम करता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप, अब यहाँ पे मेरा राइटिंग रेडी हो जाता है, ये देखिए इस तरीके से ये हो गया मेरा इंट्रो वीडियो के लिए। तो इस तरीके से टेक्स्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, ठीक है। ये मेरा बॉक्स है, बॉक्स में अच्छे से नहीं हो रहा है, मैं फटाफट जल्दीबाजी में मैं फटाफट हटा के मैंने बना दिया, लेकिन आपको समय दे के टाइम दे के अच्छी तरीके से आप अपने लिए इस तरह के इंट्रो बना सकते हो जो अपने वीडियो पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा एडिटिंग वाला वीडियो मिलता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों फाइनली आपने देखा किस तरीके से एडिटिंग करना है, टेक्स्ट बिहाइंड द स्क्रीन बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है ये। हम अपने वीडियो के लिए इंट्रो खुद ही कैसे बनाए काइन मास्टर में जाके, तो इस तरीके से आप इंट्रो बना सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है बनाने का, अगर वो भी आप सीखना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके प्यारा सा कमेंट्स कर देना, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वो ऑप्शन भी मैं लेके आऊँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जाते जाते अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको सबसे ज़्यादा एडिटिंग वाला वीडियो मिलता है। तो ठीक है, आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, हैव अ गुड डे।